वीडियोस देखी हो कि नहीं? नहीं देख ली क्यों? पहले तो भेज दी थी आपने। कब भेजी थी ना? नहीं देखी क्यों? तो पेपर में कुछ वो भी पढ़ना होता है। हाँ तो मैं डेली देखने नहीं करूँ, मतलब देखा करो। हाँ ठीक। क्वेश्चन भी डालूँ ग्रुप बना दिया ना, क्वेश्चन भी डालूंगा तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलो तो बात करते हैं सेकेंडरी सेल की। पहले अपन बात करेंगे इससे मीनिंग की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी सेल बोलो? जो रिचार्जेबल होते हैं। रिचार्जेबल होता है, वेरी गुड। सेकेंडरी सेल का जो एक बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो वर्ड है वो है रिचार्जेबल सेल्स। रिचार्जेबल सेल्स और आज के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ रहे हैं वो मोस्टली रिचार्जेबल ही आ रहे हैं, चाहे फोन ले लो कुछ भी ले लो, है ना? तो मीनिंग होता है इसका रिचार्जेबल सेल मतलब रिचार्जेबल डिवाइस विच प्रोवाइड्स करंट, विच प्रोवाइड्स करंट, करंट बोल लो या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोल लो, बात ही की है। करंट बहुत ज्यादा बहुत बढ़िया है। दूसरी चीज एग्जांपल कौन कौन से होते हैं सेकेंडरी सेल के अंदर और कौन कौन से फीचर्स हैं? तो अगर एग्जांपल की अगर बात करें तो बताओ कौन कौन से एग्जांपल तुम्हारे माइंड में आते हैं सेकेंडरी सेल के बारे में? मोबाइल तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। सेल सेल रिचार्जेबल इंस्ट्रूमेंट, अच्छा तो बात यही है। तो फिर इसके क्या होंगे एग्जांपल? रिचार्जेबल इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस। हाँ। और चल ठीक है, सेटअप ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे, सेटअप है ना। तो इसके सबसे पहला एग्जांपल तो इसके अंदर है ली आयन बैटरी। ली आयन बैटरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ली आयन बैटरी? नहीं पता। लिथियम आयन बैटरी भाई। तो ये कौन सी बैटरी आती है? फोन में कौन सी बैटरी लगती है? मेरे को थोड़ी पता कौन सी लगती है। फोन नहीं खरीदा तुमने कभी आज तक? क्या फोन नहीं खरीदा आज तक? खरीदा है ना फोन। तो फोन जब खरीदते उसमें फीचर्स नहीं पड़ते क्या? हाँ। तो क्या लिखा होता है इसमें? बैटरी कितने मेगाहर्ट्ज की, एमएएच की बैटरी है ना। एमएएच तो यहाँ जब 5000 लिखा होता है इसकी 5000 की है, ठीक है ना। और उसकी जो है वो 55 के आसपास की है कुछ। हाँ तो इसका मतलब क्या है, ये किस में लिखा होता है? इसके सामने लिखा होता है 5000 mAh लिथियम आयन बैटरी। बस इतना ही देखा, उसके आगे देखिए। उसके आगे नहीं देखा, वैसे बैटरी का मतलब गाड़ी के लगा दो तुम, है? लिथियम आयन बैटरी होती है, Li का मतलब होता है लिथियम। लिथियम आयन का मतलब हो गया आपके पास यहाँ पे Li+ के आयन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करते हैं, दोबारा गेन भी करते हैं, लिबरेट भी करते हैं। रिचार्ज जब रिचार्ज करोगे तो वापस गेन कर लेंगे और जब डिस्चार्ज होगा तो डिप्लेट कर देंगे, उसमें कहते हैं लिथियम आयन बैटरी। तो ये एक तरह के सेकेंडरी वो सेल से। इसके अलावा दूसरे होते हैं निकेट बैटरी। निकेट क्या होते हैं? निकल। कहाँ? निकल आगे क्या पता? निकल कैडमियम बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी, ठीक है ना। तो ये भी सेकेंडरी होते हैं। किसमें काम कर लेते हैं? ये मोबाइल से बड़े डिवाइसेस के अंदर, मोबाइल से बड़े डिवाइस रेडियो हो गया, आजकल वो चल रहा है ना सारे गांव का कारवा चलता ही चल रहा, तो उसमें काम आता है। इसके अलावा जैसे बड़े बड़ी चीजें होती हैं जैसे कि वो स्पीकर्स वगैरह आने लग गए आजकल ब्लूटूथ वाले, है ना, उसमें काम आता है। मतलब मोबाइल से बड़े जितने भी चीजें होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसमें एलेक्सा में काम आता है। हेलो एलेक्सा, एलेक्सा बोलिए। निकल कैडमियम बैटरी जनरली उन डिवाइसेस में काम आता है, मतलब मोबाइल के अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखते हो सब में काम आता है, ठीक है। और तीसरे होते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, जिसका स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे, सिलेबस में भी है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज कहाँ पे काम आता है? गाड़ी में। अच्छा कौन सी गाड़ी? स्कूटी, कार, ट्रक, बस। अच्छा तो तुम्हारी स्कूटी कौन सी है? चलो क्या चल रहा है रहने दो। वैसे भी अभी कॉलोनी में एक लाइट भी नहीं है, लाइट ही चली जाती है आज कल तो। ये बहुत परेशान करता है तो अपनी दिन से वो जब मुड़ी तो लाइट चली जाती है। दिवाली की सारी लाइटें इधर ही बच जा रहे हैं। अब तुम कह रही हो लाइट लगाओ, कहाँ से लाइट लगाऊं, लाइट ही चली गई तो शोबीस के रखना है उनको।
हाँ शो पीस लगा लो आप। तो पीस भी लगा। खैर लेट्स शो, ये बैठने की सीट में होती है, कार में है ना, स्कूटी में, बाइक के अंदर, जितने ये मतलब ट्रैवलिंग व्हीकल्स हैं उनमें, ट्रक हो गया, बस, एयरप्लेन में भी लगती है। क्या बात कर रहे हो, नहीं लगती? क्या पता, पांच छह एक साथ डलती है, प्लस सेट डलता है। वाईफाई कैसे चलता है फिर प्लेन में? वाईफाई चला दूंगा। हाँ। फिर कैसे कैच करा वाईफाई? अब मैं तो बैठी नहीं, बैठी नहीं तुम एयरप्लेन में वाईफाई चलता है रात से बैटरी, तो लाइटें वगैरह चल रही है, वो घंटी बजती है टूंग टांग, वो एक लड़की आती है उधर से, यंगस्टर्स। हाँ सर, व्हाट? पानी चाहिए, पानी क्या मिलाते हैं, एक घंटे बाद पानी देंगे तब तो प्यास मर गया इंसान, बहुत गंदा ढीली होती है। ठीक है, अब इसे कुछ फीचर्स हैं वो लिखो, फीचर्स, तीन से चार फीचर्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला फीचर्स में लिखो, सेकेंडरी सेल्स आर रिचार्जेबल इन नेचर वेयर एनोड इज प्योर मेटल, बट कैथोड इज एन ऑक्साइड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में लिखिए, ड्यूरिंग कंजम्पशन ऑफ सेल एनोड लिबरेट्स इलेक्ट्रॉन बट कैथोड गेन्स दोज इलेक्ट्रॉन्स। And both the electrodes must be dipped in acidic solution. Is that one you know? These cells produces 12 volts of current. 12 volts of current. Called electrode potential. ठीक है, अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी को, इतना इंट्रोडक्शन काफी है इसके लिए, इससे ज्यादा आपके पास दूसरा पेन है क्या? दूसरा पेन? वो बिल्कुल होगा, जेल पेन है मेरे पास, नहीं बॉल भी है, बॉल चलेगा जेल, बॉल, तुम जेल से नहीं लिखती? कम लिखती। चलो लिखो लेड स्टोरेज सेल, तो लेड स्टोरेज सेल की हम बात करते हैं, तो पहले बनेगा डायग्राम बनाते हैं।
ये होता है आपका नेक्स्ट स्टोरेज पैटर्न। अब करते हैं कि लेबलिंग। ये जो आपको लाल लाल दिखा है क्या है? सॉल्यूशन एसिटिक 38% H2SO4 सॉल्यूशन है। 38% बाकी ये 68 में क्या है? सॉरी बाकी 62 में क्या है? बाकी 62 में बेस सॉल्ट पानी। ठीक है, ये है आपका एनोड और ये है आपका जी कैथोड। ठीक है, एनोड बना हुआ है आपका पीबी से, तो फिर कहते हैं पीबी इलेक्ट्रोड। पीबी का मतलब, पीबी मतलब लेड। नाम देखो, लेड फॉर लेड कहां से आया फिर? हां तो इसके क्या पीबी, पीबी को क्या बोलते हैं? लेड। तो वही तो पूछ रहा हूं। हां तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हुआ ना? अरे वो कोई सा ही फॉर्म हुआ। पीबी क्या होता है? लेड होता है ना, मैं ही पूछ रहा हूं। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? किसमें? इसका एटॉमिक वेट पीबी का कैसे काम करते हैं? 338। पीबी का बताना है तो मैंने किसके बताते हैं? ये मुझे भी नहीं पता। पीबी ओ2 का कैथोड बना होता है पीबी ओ2 का। इसको याद कर लो फटाफट। तो इसमें पीबी है क्या? अच्छा बोल रहा हूँ, एलिमेंट मतलब पीवी के अंदर नहीं होगा तो कैसी बातें कर रहे हो? एलिमेंट के लिस्ट के आप फ्रेम के बारे में 202 207 लिखा हुआ है वहां पे। अच्छा, सॉरी। चलो तो ये इसका हो गया डायग्राम, तो बनाओ इतना ही है, ज्यादा बड़ा नहीं। पीवी और पीवी ऑटो दोनों 38% H2SO4 सॉल्यूशन में डूबे हुए हैं। तो इस सेल को देख के मालूम पड़ता है कि एक्चुअल में इसकी बनावट ऐसी होती है, मतलब एनोड और कैथोड दोनों ही 38% H2SO4 में सॉल्यूशन में डूबे हुए रहते हैं। ठीक है, और जब तक डूबे हुए नहीं रहेंगे तब तक इसमें से इलेक्ट्रॉन का जो है एक्सचेंज नहीं होने वाला। आपको पता ही कि एनोड में कौन सी रिएक्शन होती है?
बताओ ऑक्सीडेशन। हाँ मतलब ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना। नहीं रिडक्शन होती है ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन। पर आपने कैथोड में ऑक्सीडेशन लिखा है। कैथोड में रिडक्शन होता है, कहाँ लिखा है दिखाओ, चेक करो एक बार। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये देखो कैथोड इज एन ऑक्साइड, ऑक्साइड सॉरी ऑक्साइड, PbO2 ऑक्साइड हुआ। डाइऑक्साइड बोलते हैं उसको अपन, तो ये भी लिखा रहा हूँ कि कैथोड इसमें ऑक्साइड है ना। ये तो शायद से कंफ्यूज हो रही हो, ऑक्सीडेशन इसमें प्रोसेस कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और कैथोड में कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन का, जिसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन किए जाते हैं। ठीक है, तो जब इस पूरे फिनोमेना को हमें समझते हैं केमिकल लेवल पर, तब हम लिखते हैं कि सेल रिएक्शंस। तो जब मैं इसकी सेल रिएक्शंस लिखूंगा तो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते भी हैं, तो सेल रिएक्शन लिखना। अब सेल रिएक्शन कहां-कहां पे होगा, एनोड पर और कैथोड पर सेपरेटली, तो अपन दोनों के अंदर ही लिखेंगे, बाकी टोटल सेल रिएक्शन भी लिखेंगे। तो एनोड पर देखो क्या होगा और कैथोड पर क्या होगा। अब एनोड पर चूंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है अपना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए सबसे पहले Pb इलेक्ट्रॉन निकालेगा, मतलब Pb प्लस, और किसमें डूबा हुआ है, SO4 सॉल्यूशन के अंदर, तो SO4 2 माइनस। ठीक है, अब SO4 2 माइनस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि H2O सुपर को जब आप देखोगे तो H2O सुपर किसमें टूट जाएगा बताओ, 2H प्लस में और SO4 2 माइनस में, इसलिए मेरे काम का SO4 2 माइनस है भी, इसलिए मैंने वो ले लिया। ठीक है, अब Pb अपनी नेचर से मजबूर है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है, और जैसे दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा Pb के ऊपर चार्ज आएगा 2 प्लस, वो 2 प्लस कंबाइन कर जाएगा इससे, तो क्या बन जाएगा PbSO4। ठीक है, नाउ कैथोड पर देखो, कैथोड में इलेक्ट्रॉन गेन होगा क्योंकि रिडक्शन प्रोसेस हो रही है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, PbO2। ठीक है, जो कि कौन से सॉल्यूशन में है, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, पर ये दो इलेक्ट्रॉन तो SO4 में ले लिए ना। हम्म, नहीं इलेक्ट्रॉन SO4 कहां से लेगा, उसमें पहले से इलेक्ट्रॉन है। हां तो क्यों लेगा इलेक्ट्रॉन, अभी तो आपने बोला SO4 तो सॉल्यूशन में है, Pb ने जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले ये कन्वर्ट हो गया Pb 2 प्लस में, ये 2 प्लस 2 माइनस से क्या हो जाएगा सेटिस्फाई, तो Pb SO4 बन गया ना ये चीज। सेकंड केस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन Pb ने बाहर निकाल लेते हैं उसको कौन गेन करेगा, कैथोड, और वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे PbO2 है जो इससे रिएक्ट कर रहा है, अगेन SO4 2 माइनस से, वो भी तो इसमें डूबा हुआ है ना, लेकिन इसके साथ-साथ वो रिएक्ट कर रहा है किससे, 4H+ से भी। ठीक है, और जब रिएक्शन यहां पे पूरी हो जाएगी तब आपको क्या मिलेगा, एक तो आपको दोबारा से मिलेगा PbSO4 और साथ में आपको मिलेगा वाटर यानी कि 2H2O। तो ये होता है एनोड पर, ये होता है कैथोड पर। तो जब अपन टोटल सेल रिएक्शन लिखते हैं, टोटल सेल रिएक्शन, टोटल सेल रिएक्शन लिखने के लिए हमको क्या करना होता है, हमेशा एनोड और कैथोड को ऐड करना होता है। तो अब ऐड करो, उसको क्या लिखेंगे अपन, देखो Pb प्लस SO4 2 माइनस, ध्यान से देखना इसको, Pb SO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया कैथोड, क्या है PbO2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट व्हाट, Pb SO4 प्लस 2H2। ठीक है, यही था पूरा। अब आगे पीछे कैसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कट जाता है। ठीक है, अब एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितना कुछ दिख रहा है सब यहां लिखो, और राइट हैंड साइड में जितना कुछ दिख रहा है यहां पे लिखो। तो मुझे लेफ्ट हैंड में क्या लिखा, क्या क्या दिख रहा है बताओ, Pb प्लस SO4 2 माइनस PbO2 प्लस SO4, ये तो कट जाएंगे ना, कैसे कट गए, एरो के सेम साइड वाले कभी नहीं कटते। ये देखो इलेक्ट्रॉन इधर है और ये इलेक्ट्रॉन इधर है, इसलिए कटा है। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बताओ, H2SO4, वो भी दो। हाँ ठीक है, अब एरो के साइड में देखो, सेम 2PbSO4 प्लस 2H2, ये हो गया आपका टोटल सेल रिएक्शन।
उसको एज इट इज नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, एक क्वेश्चन जैसे मुझे याद आ रहा है, क्वेश्चन क्या है, इसको मैं रेफरेंस मान के चलता हूँ। ऐसे क्वेश्चन क्या आपको रिएक्शन लिख के दे दी, गिवन रिएक्शन इज शोइंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस। जो रिएक्शन आपको दिख रही है वो कौन सी प्रोसेस है, डिस्चार्जिंग। सो राइट डाउन द डिस्चार्जिंग प्रोसेस, मतलब डिस्चार्जिंग दिखा के तुमसे रिचार्जिंग पूछ रहा है, तो क्या करोगे। ये रिएक्शन को लिख के दे दी और बोला कि ये डिस्चार्जिंग प्रोसेस है, तो रिचार्जिंग प्रोसेस को आप कैसे लिखोगे। इसको एनोड और कैथोड में कर देंगे। और कुछ दी हुई रिएक्शन डिस्चार्जिंग है, रिचार्जिंग में क्या लिखेंगे। पर ये है जो रिचार्जिंग प्रोसेस ना, डिस्चार्जिंग प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, समझ नहीं आ रहा, इलेक्ट्रॉन निकलना मतलब डिस्चार्ज होना। पर जो सेकेंडरी वाला सेल है वो तो रिचार्ज करता है ना, रिचार्जेबल नेचर होती है, उसको कर सकते हैं अपन। अच्छा। दो तरह के प्रोसेस होते हैं, डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग। जब अपन से बैटरी कोई डिवाइस में लगा रखा है तो डिस्चार्ज हो रहा है वो, जब अपन उसको बैटरी से कनेक्ट कर देते तो रिचार्ज हो रहा है। हां, तो उसको रिचार्ज ऐसे कर देंगे। मतलब प्रोसेस क्या होगी, तो क्या लिखेंगे आप, रिएक्शन कौन से लिखेंगे देवी, ये तो पूछा जा रहा तुमसे कि ये जो प्रोसेस है वो डिस्चार्जिंग का है, डिस्चार्जिंग में ऐसा होता है, रिचार्जिंग में कैसा होता है। जैसे मान लो ये पॉइंट ए है और वो पॉइंट बी है, ठीक है, मुझे बोला कि ए से बी पॉइंट तक जाओ, चला गया मैं पूरा काम गया, ये तक ही था। अच्छा, ठीक है। अब मुझसे क्या बोला गया कि आपको और बी से ए पे आना, बी से ए पे आना, तो वापस आ जाओ, ऐसे से मैं इसमें कर दो कैसे, ये अपनी पूरी टोटल सेल रिएक्शन है ना, इसको ऊपर जो लिखा है वो हो जाएगा इसका। नहीं समझी, तो अगर ये प्रोसेस डिस्चार्जिंग है ना, तो उसको बस ऐसे उल्टा कर देना, तो क्या बन जाएगा, डिस्चार्जिंग। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दो नंबर का सवाल आता है ना, इसमें कॉमन सेंस ही कॉमन सेंस जो लगा नहीं रहे लोग, कहीं लोग क्या लिखोगे यहाँ पे, टू आप ऐसे बोल देते कि इसमें उल्टा करना होता है। तो अभी वही बोला फिर आखिर में, पहले मैं तुमको हिंट दे रहा था, नहीं समझी तुम, फिर मुझे पूरा बोलना ही पड़ा डायरेक्टली। हाँ, तो PbSO4 plus 2H2O gives out Pb plus PbO2 plus 2H2SO4, ये हो गया जी। और अगर रिचार्जिंग प्रोसेस को डिस्चार्जिंग में करना होगा तो है, रिचार्ज कर दो पहले, रिचार्ज हो गया तो रिचार्ज वापस उल्टा कर देना, ठीक है, ये चलता रहता है उल्टा सीधा, मतलब जो रिएक्शन पर लिखा उसको ऐसे लिखते हैं इस तरह से, दिस इज डिस्चार्जिंग एंड दिस इज रिचार्ज, ऐसे लिखते हैं।
तो हो गया ना चैप्टर। फ्यूल सेल वाला पढ़ेगा? भूल जाएगा पढ़ने के लिए? फ्यूल सेल पढ़ना है अभी। फ्यूल सेल अपन कहाँ पे यूज करते हैं? पेट्रोल में। पेट्रोल में फ्यूल सेल यूज करते हैं, पेट्रोल ही यूज नहीं करते? क्योंकि फ्यूल से ना पेट्रोल आता है, डीजल आता है। अच्छा ऐसा शायद। चलो चित्र बनाओ, इस पर चर्चा करेंगे। ये होता है आपका फ्यूल सेल। एसपीएम क्या होता है? एसपीएम तो मैं तुमसे पूछने वाला था। एसपीएम तो बायो में पढ़ते हैं हम लोग। तो मेरे को बायो तो पढ़ी है। दसवीं तो वो थी ना। तो पढ़ी। एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? नहीं पता मेरे को। चाय की छन्नी देखी तुमने? हाँ। चाय को छनते हुए देखा है? हाँ। तो चाय की छन्नी को आप एसपीएम के रेफरेंस से मान सकती हो। कैसे मान सकती हो? उसमें छोटे छोटे से होते हैं, तो वो जो चाय जो होती है वो चाय आ जाती है, और चाय का जो अदरक होता है वो साइड में जाता है ऐसे। मतलब कुल मिला के जो मोटा मोटा जो भी सब्सटेंस है उसमें, हाँ। चाय की पत्ती हो गई, उबली हुई अदरक हो गया, या फिर उसमें इलायची वगैरह जो तुमने डाला है, एक्स्ट्रा जो भी मसाले डाले हैं वो सब अटक जाते हैं उसमें, केवल चाय नीचे आती है। ठीक है, पूरा परमेबल होता तो सब कुछ आ जाता। सेमी क्यों है? क्योंकि वो कुछ चीजों को रोक रहा है, तो इस मेम्ब्रेन के जो अंदर जो पोर्स होते हैं ना वो उन्हीं चीजों को आ नहीं सकते जिनका साइज उस पोर से छोटा है। चाय पत्ती का साइज बड़ा है तो छन्नी से नहीं निकल पा रहा, वो छन गया। वही चीज है एसपीएम का मतलब भी होता है। क्या बोलते हैं, अलाउ द मूवमेंट ऑफ दोस पार्टिकल्स हैविंग साइज स्मॉलर देन पोर्स ऑफ एसपीएम। ठीक है, तो ये होता है। तो ऐसा दिखता है हमारा फ्यूल सेल।
कंस्ट्रक्शन का उस तरह से होता है। और ये क्या है? क्या है? एनोड कैथोड पे क्या ये? ये वायर ऐसे? हाँ ऐसे बनाते हैं, मतलब इसको हम कहते हैं कंडक्टिव वायर। ठीक है जी, ये होता है तुम्हारा फ्यूल सेल। अब देखो इसमें होता है क्या है कि एक तरह से ये एक बॉक्स टाइप में समझ लो, ठीक है, बॉक्स टाइप में समझ लो। इसके अंदर दो एसटीएम लगे होते हैं, ठीक है, और ये पोरस होता है, मतलब जब आप कैथोड की तरफ से ऑक्सीजन पास करोगे और एनोड की तरफ से हाइड्रोजन पास करोगे तो उनको ही इसमें से पास होने देते हैं, ठीक है ना। मतलब एनोड की तरफ हमेशा हाइड्रोजन होना चाहिए, ध्यान रखना, उल्टा सीधा नहीं करना है, और कैथोड की तरफ हमेशा ऑक्सीजन पास होना चाहिए। तो एनोड आता है हाइड्रोजन की तरफ से, मतलब हाइड्रोजन आता है एनोड की तरफ से और ऑक्सीजन आता है कैथोड की तरफ से, और दोनों तरफ से एसपीएम लगे हुए हैं, तो इनसे O2 H2 गैस पास होती है, ठीक है। ये बीच में क्या है? एक्वस केवल सोल्यूशन, मतलब इसके अंदर KOH का क्या सॉल्यूशन है, मतलब K प्लस और OH माइनस के आयंस है, ठीक है ना। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें से पास होकर इससे इंटरेक्ट करते हैं तब जाके इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, और इलेक्ट्रॉन का जब एक्सचेंज होता है तो वही इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू क्या होता है, पास होता है और करंट हमको मिलता है। इसका बाय प्रोडक्ट क्या है? H2O। जो भी इसका जो मतलब वो चीज जो काम नहीं आ रही है या फिर रिएक्शन के बाद जो बनता है वो केवल क्या है? H2O। इसलिए फ्यूल सेल को इको फ्रेंडली सेल माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि इसमें बाय प्रोडक्ट जो कोई भी मतलब टॉक्सिक चीज या पॉइजन चीज नहीं बनती जो एनवायरमेंट को हार्म करे। ड्राई सेल भी एनवायरमेंट को हार्म करता है, डेस्ट्रॉयर सेल के अंदर H2O से 4 है, कितना हार्म करता है, है ना। लेकिन इसके अंदर चूंकि बाय प्रोडक्ट का H2O है इसलिए ये बिल्कुल भी एनवायरमेंट को हार्म नहीं करता है। एग्जाम्पल यही है फ्यूल सेल, और कोई एग्जाम्पल नहीं। तो ये किस चीज में काम में? हर चीज में काम आता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसके दम पे चल रहा है, रॉकेट उड़ता है इसके दम पे चल रहा है, उड़ रहा है मतलब उसका जो भी है, मतलब ये बहुत फायदा आता है। जैसे अभी जो कार की जो बैटरी अगर आपने कभी चेंज कराई है कितनी आती है? जैसे मैंने अपनी बाइक की बैटरी चेंज करवाई थी तो 1500 रुपए के आसपास की आई थी, ठीक है, कार की थोड़ी महंगी मान लो, 2500 रुपए मान लो, ठीक है ना। तो ये मतलब कितने माने, 70-70 हजार का आता है, उससे महंगा आता है अच्छी क्वालिटी का, 1.5 लाख का भी आता है, तो इतने महंगे हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। लेकिन इसका जो एफिशिएंसी है, जो आज अपन बैटरी यूज कर रहे हैं, लाख गुना ज्यादा है, पास में आ जी। तो ये होता है फ्यूल सेल। अब इसमें सेल रिएक्शन क्या क्या होती है हमको केमिस्ट्री देखनी है, तो इसमें एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है वो हमको देखना है। तो ध्यान से देखो, तो एनोड की तरफ से क्या आ रहा है? H2 आ रहा है, ठीक है। ये H2 किससे इंटरेक्ट करेगा? एक्वस KOH करेगा, और KOH में क्या काम का है हमारा? OH नेगेटिव। OH काम का है क्योंकि जब KOH टूटता है इसमें टूटता है K प्लस में और OH माइनस में, तो ये OH माइनस में क्या करता है? इंटरेक्ट करता है, और जैसे ही OH माइनस से इंटरेक्ट करता है तो क्या बनता है? H2O बनता है जो कि बाहर निकल रहा है, और साथ में चूंकि यहां पे एनोड है इसलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है, ठीक है। अब कितने करता है वो देखो, तो एक्चुअल में आपको 2H2 लिखना है यहाँ पे, इधर आपको 4OH लिखना है, इधर आपको 4H2 लिखना है, इधर आपको 4 लिखना है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कितने? 4 है, तो 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन देंगे। हाँ, पर ये आपने 2 4 ये लिखे क्यों है? 2 4 ऐसे लिखे क्यों? बैलेंस करने के लिए। अच्छा, बैलेंस भी कर देगा अपन, करते हैं वो चीज। तो ये एनोड पे हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला मतलब एनोड है। फिर हम बात करते हैं कैथोड पे क्या क्या हुआ, इस टोटल सेल रिएक्शन लिखेंगे। कैथोड पर कौन है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है ना, अलोंग विद वाटर, क्योंकि पानी भी तो है। KOH कौन सा सॉल्यूशन है? एक्वस। एक्वस का मतलब पानी, ठीक है। तो O2 साथ में H2O और साथ में इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली, क्योंकि 4 तो निकाले इसमें, ठीक है। तो ये O2 दो वाटर से, दो मॉलिक्यूल के वाटर से और 4 इलेक्ट्रॉन जॉइन करके क्या बनाता है? 4OH- बनता है। इस तरह से साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो अगर मैं टोटल सेल रिएक्शन लिखूंगा, टोटल सेल रिएक्शन तो कैसे लिखूंगा बताओ? पहले दोनों को लिखो, है ना, दोनों को जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 2H2
प्लस 4OH माइनस गिव्स आउट 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और नीचे O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट 4OH माइनस। मैंने क्या कहा था, ऑपोजिट कट जाते हैं हमेशा, कटते क्यों कटते, कट जाते हैं, कॉमन कटेगा, 4OH से 4OH गया और 4 इलेक्ट्रॉन, देन 2H2O से 4H2O गया 2 टाइम्स, है कि नहीं। तो जो बचा वो लिख दो, 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट, 2H2O के जो साथ में लिखते हैं ना, बस लिखा ना साथ में, लिखा है साथ में, साथ में मतलब 2H2O2 ऐसे रिएक्शन हो रही है ना। अच्छा, अलग अलग चीजें है ना, साथ में 2H2O, ये जो एनोड है अपने इसमें रिक्वेस्ट किया इलेक्ट्रॉन वाला इलेक्ट्रॉन से क्यों करेगा, चांस ही नहीं है ना, क्योंकि पहले से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो, कितने इलेक्ट्रॉन ले, ठीक है, फैसिस नोट करो। अब जो क्वेश्चन में लिखवा रहा हूँ उसको पहले ध्यान से पढ़ना, फिर सॉल्व करना, पहले देखना नोट्स के अंदर अभी कौन से फॉर्मूले से मैच हो रहा है और कौन सा फॉर्मूला हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं, आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। किस पे बेस्ड दे रहे हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो, जीरो पॉइंट वन टू एट एम्पियर current is passing through a conductive wire in a galvanic cell, in for 50 minutes. Calculate the amount of charge and amount of copper metal deposited at cathode electrode। ये सवाल है जी आपका।